सो हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं Redmi 9 है और इस फोन में जो है FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो है FRP रिमूव करके दिखाएंगे विदाउट PC। और चलिए फटाफट इसे स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आप लोग को इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सेम उसी प्रोसेस की यूज़ करिएगा। देखिए इसमें सिम लगा है, यदि आपके फ़ोन में सिम नहीं है तो वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने यहाँ पे डोंट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन का जो है पासवर्ड मांगा जा रहा है, यदि आपको पता है तो आप लोग डाल सकते हैं, तो आपका जो है FRP रिमूव हो जाएगा, यानी कि गूगल अकाउंट हट जाएगा, स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और नहीं पता है तो आपको यहाँ पे, देखिए मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ, नहीं लिया, आपको सेम ही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपका चल रहा था। तो यूज़ गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देंगे आप और सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे वही ईमेल आईडी, वही पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है जो आपके फ़ोन में चल रहा था, जो आपका ऑलरेडी इसमें था ऐड, और आप लोग ने जो है गलती से इस फ़ोन को रीसेट किया होगा या जो है सॉफ्टवेयर मरवाए होंगे। तो इसके बाद इसमें जो है गूगल अकाउंट मांग रहा है। तो सबसे पहले हम इससे जो है सिम ट्रे को निकालेंगे, यानी कि इसे पूरी तरह से नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर देंगे, यानी नेट इसमें नहीं चलना चाहिए। तो वाईफाई भी कनेक्ट है तो उसे भी डिसकनेक्ट कर दीजिए, यदि आप अपने फ़ोन में सिम लगाए हैं तो उसे भी बाहर निकाल लीजिए। तो अभी हम अपने फ़ोन का जो है सिम निकाल रहे हैं, यहाँ पे सिम ट्रे को थोड़ा सा जो है सिम इजेक्टर के हेल्प से बाहर निकाल लिए और सिम इजेक्ट करके बाहर रख दिए। अब आपको जो जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यदि मैं उस समय यदि आपको पैटर्न नहीं पता था, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ। अब आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे और उसके बाद कैसे करना है तो देखते रहिए। अब आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, सेम वीडियो को देखते रहिए, प्रोसेस करते रहिए। अब आपके फ़ोन में किसी भी तरह का नेट नहीं है तो सीधे यहाँ पे गूगल पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। और जैसे नेक्स्ट करेंगे आपके सामने जो है पासवर्ड बनाने वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, आपका एक नया पासवर्ड जब बन जाएगा और जो उस समय आपको पासवर्ड मांग रहा था, यदि आप डाल देंगे तो आपका गूगल अकाउंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं करेंगे, सीधे सिंपल एक नॉर्मल सा लॉक लगाएंगे अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोन में लॉक लगा रहे हैं। और कल संडे है तो देखते हैं, कल लाइव आएंगे, हर संडे को तो मैं लाइव आता ही हूँ। मेरा एक और चैनल है सेकंड लक, देखिए मैं एल ड्रॉ करके एक नया पैटर्न बना ले रहा हूँ। तो मेरा एक और चैनल है सेकंड लक, उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वो चैनल है। वहाँ पे मैं यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपको एक ट्रिक और बाकी रह गया है, उसे भी आप कर दीजिएगा, आपका पूरा तरह से गूगल अकाउंट रिमूव हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो लाइक नहीं करते ज़रूर कर दिया करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रूर लाइक कर दिया करिए और कमेंट किया करिए। और आपका फ़ोन फाइनली जो है फ्री में अनलॉक हो गया, घर बैठे गूगल अकाउंट बाईपास हो गया होगा। तो इसी तरह के और भी रेडमी फ़ोन में आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको अपने सिम में जो है फिर से अपना बस लगा लेना है। और यहाँ पे कुछ जो है स्टेप को फॉलो करेंगे, अब आपके सामने स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा जब आप अपना एल वाला पैटर्न ड्रॉ कर देंगे, जो ऐसे मैंने अभी बनाया था। आप कोई भी तरह का पैटर्न बना लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से हम अपना लैंग्वेज ये सब सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे फटाफट, और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट करेंगे। यदि आपका वाईफाई कनेक्ट है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो अपना सिम लगाए हैं तो अच्छी बात है। तो दोनों आपको फ़ोन में अभी इस बार नेटवर्क कनेक्ट करा देना है। तो हमारे फ़ोन में अभी नेटवर्क नेट चालू है और यहाँ पे हम एल ड्रॉ कर देंगे जो हमारा पासवर्ड था। उस समय हमारा तो पासवर्ड किसी भी तरह का नहीं था, अब हमने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया, ये काफ़ी इजी हो जाता है बहुत सारे फ़ोन में। और देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ चुका है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी जो है डेडिकेशन और काफ़ी मेहनत लगता है। कस्टमर शॉप पे आते जाते रहते हैं और शॉप में बिजी रहता हूँ, टेलीकॉम शॉप दो है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन, कोलकाता से हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ कर लीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे मोबाइल टिप्स रिलेटेड और अनलॉकिंग टूल ये सब की तरह वीडियो आती रहती है, PC के भी थ्रू होता है, UFI बॉक्स और ये सब के ऊपर भी मैं वीडियो बीच बीच में लाते रहता हूँ, और बहुत सारे ओप्पो के फ़ोन भी अनलॉक करने से बताता हूँ, और आप लोग को काफ़ी इजी और जो है आसान जो है भाषा में समझाने की भी कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो जाके सेकंड लक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नाम तो दीपक है, मैं कोलकाता से ही हूँ। और यहाँ पे हो चुका है और ये Redmi 9 है, देख लीजिए इसका मॉडल। तो वीडियो कैसा लगा, तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी Redmi के और भी फ़ोन में इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ोन में वर्क कर जाता है। तो इसी तरह के और भी जो है Redmi के फ़ोन में यदि हो रहा है तो कर सकते हैं, और नहीं होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मुझे उसका सॉफ्टवेयर वर्जन बताइएगा, तो मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा कैसे होगा। तो कमेंट करिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल, बाय फ्रेंड्स।